आज के समय में दोस्तों दांतों में कीड़े लगना एक आम समस्या बन गई है। हर 10 में से 3 इंसान को ये बीमारी होती ही होती है। ये चीजें होती हैं जब हम खराब और अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। इस समय पे लोगों को दांतों में जो कीड़े लगने की समस्या हो जाती है, इसकी वजह से दांतों में मसूड़ों में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि एकदम असहनीय दर्द होता है और लोगों को जो है काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ भी जाती है इसकी वजह से। इसका रीजन यही होता है कि जब हमारे दांतों की जो सतह होती है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तब क्या होता है इनमें छोटे छोटे से छेद होने लगते हैं। जी हाँ, ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इसी कंडीशन को हम कहते हैं दांतों में कीड़ा लगना। ऐसा नहीं है कि कोई अलग टाइप का कीड़ा हमारे दांतों में समा जाता है, जी नहीं, हमारे दांतों में जब क्षय रोग होने लगता है, जिसे कि क्षय रोग भी बोलते हैं आम भाषा में, तो दांतों में जो है कैविटी हो जाती है, इसी चीज को हम दांतों में कीड़े की समस्या या फिर कैविटी बोलते हैं। कीड़े लगने की वजह से दांत हमारे पीले भी पड़ जाते हैं, मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसे में होना ये चाहिए दोस्तों कि हमें तुरंत जो है डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास डेंटिस्ट नहीं होते या फिर हम जा नहीं सकते या हम जाना नहीं चाहते, तो उस टाइम पर अगर हम थोड़े घरेलू उपाय अपनाएं तो उस टाइम पर भी हम क्या करेंगे, कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि दांतों में जो कीड़े लगने की समस्या है उससे बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज इस उपाय को मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसे आप बहुत आसानी से अपना सकते हैं। घर में रखी हुई दो छोटी चीजों से हम ये उपाय करेंगे और अपने दांतों की कैविटी को भरेंगे। अगर आप ये उस उपाय को लगातार जो है 3 से 4 बार अपना लें तो आप देखेंगे कि आपके खुद ही दांतों के दर्द जो है कम होने लगे हैं। साथ ही जो कैविटी की समस्या है जिनमें हमारे खाने के कण फंस जाते हैं वो समस्या भी जो है खत्म होने लगती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारी आज की रेमेडी क्या है। हमारी आज की जो रेमेडी की मुख्य सामग्री है दोस्तों वो है लहसुन। लहसुन हर घर में होता है, हर घर में लोग रखते हैं। लहसुन बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। लहसुन में जो है एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। लहसुन को जब भी हम किसी आयुर्वेदिक दवा की तरह अपनाते हैं तो ये हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर जादू की तरह काम करता है। लहसुन से जुड़े हुए बहुत सारी रेमेडी इससे पहले भी मैंने शेयर की हुई है। हमें यहाँ पर एक लहसुन लेना है और लहसुन की कलियों को निकाल कर बस इसे अच्छे से पील करते जाना है। लहसुन जो होगा वो हमारे दांतों में कैसे जादू की तरह काम करेगा ये अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। होता यह है कि जब हमारा मुंह बैक्टीरिया से भर जाता है तो छोटे छोटे जो खाद्य कण होते हैं वो लार के साथ मिलकर एक चिपचिपी सी फिल्म बना लेते हैं, जिसे कि प्लेक कहते हैं। और ये क्या होता है, ये दांतों के ऊपर बनता है। लहसुन हमारा वही काम करता है उस प्लेक को हटाने का। जब हम कोई ज्यादा मीठी चीज खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें ज्यादा खाते हैं जिसमें कि स्टार्च होता है, तो प्लेक में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे उन्हें जिसकी नीड होती है उसी समय इस एसिड का उत्पादन होता है। और इस समय पे क्या होता है, प्लेक में मौजूद जो एसिड होते हैं दांत की सतह को तोड़ने लगता है, जिसका इलाज अगर हम ना कराएं तो प्लेक जो है दांत के बाहरी परत को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और अंदर की नसों को उभार देता है, और ऐसी कंडीशन में ही हमारी दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों कुछ साइंटिफिक रीजन जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर हमने पूरी एक पोटली लहसुन को अच्छे से पील कर लिया है। अगर आपने लहसुन ज्यादा दिया है, आप इस दवाई को ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप लहसुन को मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। मेरे पास अभी थोड़े ही लहसुन है तो मैं क्या करूंगी, इसको इस तरह से अच्छे से कूट लूंगी, या फिर आप क्या करें लहसुन को बारीक वाले क्रशर से क्रश भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर करना यह है कि हमें लहसुन का एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। लहसुन को पत्थर के खलबट्टे में कूटने का रीजन एक ये भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सा रीजन है कि जब आयुर्वेद के टाइम पे दवाएं लोग तैयार करते थे, वैद्य लोग होते जो दवाएं तैयार करते थे, वो इस तरह से पत्थर के खलबट्टे में ही तैयार की जाती थी, जिससे पत्थर के जो आयुर्वेदिक गुण होते हैं वो हमारी दवाई में भी आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लहसुन काफी बढ़िया तरीके से मैंने कूट लिया है, सारे लहसुन कूट कर तैयार हो गए हैं, और जो इतना लहसुन है वो हमारा लगभग 1 टेबल स्पून तैयार हुआ है। सारे लहसुन को इस खलबट्टे से पहले हम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस लहसुन का हमें करना क्या है। यहाँ पर देखिए मैं एक बर्तन ले लूंगी, आप जो है कोशिश करें कि कांच का या क्रॉकरी का ही बर्तन लें, क्योंकि हम जो भी रेमेडी बनाते हैं स्पेशली जो है रेमेडी से चीजें जरूरी चीजें वो आप कांच या क्रॉकरी के बर्तन में ही बनाएं तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारा जो स्टील का बर्तन होता है वो रिएक्शन बहुत तेज देता है किसी भी चीज पर, और ये दवाई हम बनाकर रखने वाले हैं तो इसलिए आप कांच के बर्तन का ही यूज करें। लहसुन आप देख रहे हैं किस तरीके का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। जी हाँ, हल्दी के गुण से आप सभी परिचित होंगे। हल्दी जो है दांतों में कैविटी को भरने का काम करता है। जब भी दांतों में कीड़े वगैरह की समस्या होती है, दांतों में दर्द होता है, तो हल्दी जो है यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल
अपना रूप दिखाता है। वहां पर जो है हल्दी बहुत अच्छे से काम करता है, और लहसुन तो है ही है दोस्तों, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर। हम क्या करेंगे, इस हल्दी और लहसुन को पेस्ट को अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हमने लहसुन मिक्सी में पीसा होता तो लहसुन जो है थोड़ा सा और गीला होता। अभी मैंने इसे खलबट्टे में कूटा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर लहसुन थोड़ा सा आपको ड्राई लग रहा है, पर अभी हम इसमें यहाँ पर एक चीज और डालेंगे जिससे हमारा पेस्ट जो है गीला होगा, साथ ही इसकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि दांतों में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे किचन में जो दांतों पर अपना बहुत ज्यादा फर्क दिखाती है, या फिर किसी भी आयुर्वेदिक दवाई में बहुत फर्क दिखाती है। अब इसके बाद से मैं क्या करूंगी, लूंगी सरसों का तेल। ये देखिए बहुत थोड़ा सा हम सरसों का तेल लेंगे, लगभग 4 से 5 बूंदें, जितने में कि हमारा पेस्ट थोड़ा सा गीला हो जाए। साथ ही जो सरसों का तेल है उसका जो उसकी एक स्मेल होती है जो काफी तेज होती है, जो दांतों के कीड़े को भगाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। जो हमारे यहाँ पर हल्दी और सरसों का तेल का जो मिक्सचर तैयार हम कर रहे हैं दोस्तों, ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से बहुत ज्यादा भरपूर होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक छोटे से कॉटन का टुकड़ा, बहुत ही थोड़ा सा कॉटन का टुकड़ा लेंगे, जिससे कि इसकी एक बहुत ही पतली सी लेयर हो, बहुत ज्यादा मोटी लेयर ना हो इस कॉटन के टुकड़े की। इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है, देखिए कुछ इस तरीके से हम फैला देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि एक छोटी सी गोली उठाते हुए मैं इस पेस्ट की इस कॉटन में डालूंगी, और जो कॉटन का खुला हुआ है, हम इसे अपने दांतों में जहां पर कैविटी है उसे उस जगह पर ऐसे रखेंगे कि हमारा जो लहसुन है ये उस हमारे दांतों की कैविटी को टच करता हुआ रहे। इसे हमें रखना है लगभग 8 से 10 मिनट, या फिर आप थोड़ा और देर रख सकते हैं तो और देर भी रख सकते हैं। होता ही हो ये है इससे कि लहसुन और हल्दी का जो हमारा पेस्ट है उसमें से जो है दांतों में रखने के बाद इससे एक अलग सा रस जो रिलीज होता है, लहसुन का जो अर्क होता है वो हमारी दांतों में जब जाता है तो ये जादू की तरह हमारी दांतों की कैविटी पर काम करता है। दांतों में अगर कोई कीड़ा होता है, कोई फंसा हुआ कीड़ा हो, तो वो भी जो है निकल कर बाहर आ जाता है, साथ ही ये कैविटी को भरता है। इस उपाय को आपको करना होगा लगभग 10 से 15 दिन। अगर आपके दांतों में दर्द है तो भी ये उपाय आपके दांतों पर जादू की तरह काम करेगा। इसे आप दिन भर में 2 बार कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस तरह से पोटली नहीं रखना चाहते तो आप थोड़े से पेस्ट को लेकर अपने मसूड़ों पर मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में दर्द है तो फिर आप मसूड़ों में सूजन है तो फिर इस पेस्ट से मसाज कर सकते हैं। इससे भी जो है आपके दांतों की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। उसके बाद से जब आप 10 से 15 मिनट इस पोटली को रख लें तो फिर आप क्या करें, पोटली को निकाल कर फेंक दें और सिंपल पानी से दांतों में मतलब मुंह में पानी डालकर कुल्ला कर ले। डेली बेसिस पर जब हम ये उपाय अपनाते हैं तो दांतों में कीड़े लगने की जो समस्या होती है उससे आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से इस आयुर्वेदिक गुण से भरपूर ये रेमेडी एक बार जरूर अपनाइएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको भी रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको भी तकलीफ है इस तरह की तो इस रेमेडी को अपनाकर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, इससे बाकी लोगों की भी हेल्प होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।